हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 8 की SST का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले वीडियो में इसको आप एक भाग पढ़ चुके हैं, सेकेंड पार्ट आपको आज पढ़ाया जाएगा जो आपके पेज नंबर 7 पर दिया गया है। इसका हेडिंग होगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानवीकृत संसाधन या मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन। प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। प्रॉपर यूज, निरंतर प्रयोग, आपके जो संसाधन हैं उनका जो लगातार आप प्रयोग हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? आज की आधुनिक तकनीक और इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक दशा पर। मतलब आज आप जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो एक तरह से आधारित है आधुनिक तकनीक पर और आर्थिक दशा पर। इट इज़ इन दिस रिगार्ड दैट ह्यूमन मेड और कल्चरल रिसोर्सेज एश्यूम ग्रेट सिग्निफिकेंस। इट इज़ अ रिगार्ड टू ह्यूमन मेड, मनुष्य ने जिन संसाधनों का निर्माण किया है वो एक सम्मानजनक बात है, या कल्चरल रिसोर्सेज एश्यूम ग्रेट सिग्निफिकेंस, जो जिन सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माण मनुष्य ने किया है वो भी अपने में बहुत महत्व रखते हैं। These resources play a vital role in the utilization and development of natural resources. इस लाइन में आपको बता रहे हैं, These resources play a vital role. ये संसाधन जो हैं हमारे इस यूटिलाइजेशन में, प्रयोग में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्सेज का निर्माण करने में भी सहायक होते हैं। दे प्राइमरली इंक्लूड, इनको मुख्य रूप से नीचे दिया जा रहा है, इनके 4 पॉइंट दिए जा रहे हैं इसमें आप देखेंगे। पहला पॉइंट है अवर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, सबसे पहले हमें तकनीकी रूप से जानकार होना चाहिए। नंबर 2 पे है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, सरकार को जो नीतियां हैं, सरकार के जो मूलभूत ढांचे हैं वो इन संसाधनों के अनुरूप होने चाहिए ताकि इनके डेवलपमेंट में हमें सहायता मिल सके। नंबर 3 पे है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इसमें राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थान हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, इन्हें भी हमारे संसाधनों के अनुरूप ही होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल सेटअप, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक सेटअप भी शामिल किया जाता है। अब कनेक्ट टू ज्योग्राफी में देखेंगे आप, फॉरेस्ट्स आर वास्ट रिपोजिटरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट ह्यूमन हैव बीन यूजिंग टू फॉर डिफरेंट पर्पजेज सिंस टाइम इमोरियल फाइंड आउट। फॉरेस्ट आर वास्ट रिपोर्टरीज, हमारे जंगलों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है नेचुरल रिसोर्स के रूप में, जो कि दैट ह्यूमन हैव बीन यूजिंग डिफरेंट पर्पजेज, मनुष्य ने इन रिसोर्सेज का विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत समय पहले से प्रयोग किया है। अर्थात मानव जो है प्राकृतिक संपदाओं को, प्राकृतिक संसाधनों को प्राचीन काल से लगातार प्रयोग करता चला आ रहा है। इसमें 3 पॉइंट दिए जा रहे हैं। पहला पॉइंट है 5 वेज इन विच फॉरेस्ट वर यूज्ड बाय द स्टोन एज पीपल, लगभग बता रहे प्राचीन काल यानी स्टोन एज से, पाषाण काल से ही मनुष्य ने प्रकृति को 5 तरीकों से प्रयोग किया है। दूसरा पॉइंट है 5 प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट बी कंज्यूम एज ईटेबल्स, 5 चीज़ों को जो खाने योग्य हैं, ऐसी 5 चीज़ों को मनुष्य लगातार जंगलों से प्राप्त करता चला आ रहा है। लास्ट पॉइंट है सम प्रोडक्ट्स दैट बी यूज फॉर देयर मेडिसिनियल एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज, इसमें हमारे पोषण की चीज़ें भी शामिल होती हैं, और इसमें फॉरेस्ट में हमारी औषधियाँ भी हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में दिए जा रहे, आप कुछ तो देखेंगे इसमें, कुछ मनुष्य ने जो चीज़ें बनाई, जैसे आपकी कार है, मकान है, संस्थान है, ये मनुष्य ने बनाए हैं, तो इन सब चीज़ों को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स या मानवीकृत संसाधन कह सकते हैं। अब नीचे आ जाओ, लास्ट हेडिंग है ह्यूमन रिसोर्स अर्थात मानवीय संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ, मनुष्य जो है मानवीय संसाधन, जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों में सबसे प्रमुख संसाधन मनुष्य को माना जाता है।
इसमें मुख्य पहलू में आप साइलेंट एक्सपेक्ट में देखेंगे, पहला पॉइंट, विदाउट ह्यूमन रिसोर्सिस नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज एज ए रिसोर्स। मनुष्य के बिना किसी भी प्राकृतिक संसाधन को हम एक गिफ्ट के रूप में नहीं ले सकते हैं, इसमें हर हाल में मनुष्य को शामिल करना होता है, अर्थात किसी भी संसाधन के लिए मनुष्य को परमावश्यक माना गया है। सेकेंड पॉइंट है, ह्यूमन रिसोर्स आर असेस्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो मानवीय संसाधन है वो विकास करता है दोनों तरीकों से, मात्रा की दृष्टि से और गुणवत्ता की दृष्टि से। नॉट ओनली मस्ट हैव देयर बी एनफ ह्यूमंस टू एक्सप्लोर द नेचुरल रिसोर्सेज, दे मस्ट आल्सो हैव टेक्निक्स टू यूटिलाइज देम टू बेस्ट पॉसिबल मैनर। मनुष्य ने प्रकृति का केवल प्रयोग ही नहीं किया है, बल्कि उसने तकनीकों के माध्यम से इसका बहुत अच्छे ढंग से दोहन करने का प्रयास भी किया है। अगला पॉइंट है, अलोंग विद एजुकेशनल एक्सपर्टाइज ए हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन बेस हेल्प इन रीजन्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। बहुत समय से जो शैक्षिक विशेषज्ञ रहे हैं और जो स्वस्थ जनसंख्या पर आधारित चीज़ें रही हैं, इन चीज़ों ने भी हमारी आर्थिक दशा को और सामाजिक दशा को बढ़ाने में प्रयास किया है। अर्थात जो हमारे विशेषज्ञ लोग रहे हैं, उन्होंने हमें बताया है किस तरह से मनुष्य के जीवन या मनुष्य जो जनसंख्या पाई जाती है ज़मीन पर, वो किस तरह से सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन हैं इनका संरक्षण किस प्रकार किया जाए, ये आपको इस हेडिंग के अंतर्गत बताया जाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड लाइफ इट्सेल्फ डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा जीवन जो है प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करता है, सो इसलिए वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट वेदर देयर विल बी एनफ टू सस्टेन डेवलपमेंट नॉट जस्ट फॉर पीपल नाउ बट आल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम दोबारा से देखते हैं इसको, मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड लाइफ इट्सेल्फ डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने बताया आपको हमारा जो जीवन होता है वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, इसलिए वी नीड टू कंसर्न अबाउट वेदर देयर विल बी एनफ टू सस्टेन। इसको सतत बनाए रखने के लिए, इसको लगातार बनाए रखने के लिए, इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नॉट जस्ट पीपल नाउ, आज के मनुष्य को नहीं पर्यावरण की आवश्यकता है, बल्कि बट आल्सो फ्यूचर जनरेशन, हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी इन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें सुरक्षित और संयमित इन्हें रखना चाहिए। टुडे विद द स्टडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, आज हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे, और जनसंख्या बढ़ेगी साथ साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। द नीड फॉर कंजर्वेशन, इसलिए हमें कंजर्वेशन संरक्षण की आवश्यकता है। ऑफ आवर नेचुरल एसेट्स टू ग्रेटर देन एवर एज ऑफ नाउ वी आर ओवर डिपेंड ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अपने संसाधनों का हमें हर हाल में संरक्षण करना है, यदि हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। नेचुरल एसेट्स टू ग्रेटर देन एवर एज नाउ वी आर ओवर डिपेंड ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आजकल हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर अत्यधिक तरह से निर्भर हो चुके हैं। इसमें एक घटना दी जा रही है जो उत्तराखंड की है, जरा इसको पढ़ेंगे। पैथफाइंडर के अंतर्गत एक आंदोलन चलाया गया था, इसको चिपको मूवमेंट कहा गया, इसके विषय में आपको डिटेल में बताना है। चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन बाज मास मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन स्टार्टेड इन द अर्ली 1970s इन द गढ़वाल हिमालय ऑफ उत्तराखंड। ये मूवमेंट उत्तराखंड में हिमालय गढ़वाल नाम के ज़िले में 1970 में चलाया गया था। ये पेड़ों की कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन था। द पार्टिसिपेंट इन दिस मूवमेंट प्रैक्टिस द गांधीयन मेथड्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस थ्रू द एक्ट ऑफ हगिंग ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बींग फेल्ड। इस आंदोलन के अंतर्गत इसमें भाग लेने वाले जो लोग थे, उन्होंने गांधी विचारधारा यानी सत्याग्रह को अपनाया और अहिंसात्मक तरीके से पेड़ों की कटाई को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि ये लोग जब पेड़ काटने दूसरे लोग जाते थे तो वहाँ के लोग पेड़ों पर लटक जाते थे, उनकी टहनियों में चिपक जाते थे, इसीलिए उसको चिपको मूवमेंट कहा गया।
आगे पढ़ेंगे, द लैंडमार्क इवेंट इन दिस स्ट्रगल लुक टुक प्लेस ऑन 1974। ये घटना 26 मार्च 1974 की है। वैन ए ग्रुप ऑफ पीजेंट्स वुमेन इन रैनी विलेज, किसानों की एक महिला थी, उनका एक ग्रुप था, ये रैनी नाम का गांव था, उसकी बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये घटना चमोली डिस्ट्रिक्ट की है, उत्तराखंड में स्टेट में पड़ता है। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड द फेलिंग ऑफ ट्रीज, उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई। बाई दी 1918 द मूवमेंट हैंड स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया, और बाद में ये आंदोलन बड़ी तेजी से पूरे भारतवर्ष में फैल गया। दिस लेड द फॉर्मुलेशन ऑफ पीपल सेंसिटिव, इस घटना से सभी लोग सेंसिटिव हो गए, संवेदनशील हुए, किसके प्रति, फॉरेस्ट पॉलिसीज और जंगल की जो नीतियां हैं उसके प्रति सभी की सहानुभूति प्रदर्शित हुई। विच पुट ए स्टॉप टू ओपन फेलिंग ऑफ ट्रीज, और इसी आंदोलन के कारण से वहां पर लोगों ने पेड़ों की कटाई खुले में बंद कर दी, पेड़ों की कटाई पर रोक लग गई। तो इस चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में चलाया गया था, ये आपको बताया जा रहा है। नीचे देखेंगे आप फिर आएंगे पॉइंट पे, पीपल मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज दैट आर बिकम स्केयर्स, लोग एक एक करके इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी धीरे धीरे कमी आ रही है, इनमें स्केयर्स आ रहे हैं, कमियां आ रही हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहे, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम मे बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉपर फॉर मैनी परपजेस, एल्यूमिनियम का प्रयोग यूज इन प्लेस ऑफ कॉपर, इसका प्रयोग कॉपर के स्थान पर होने लगा। वाइल कॉपर इज स्केयर्स, जब कॉपर की कमी आ गई, डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइड एंड क्ले कॉन्टेन मोर एल्यूमिनियम देन पीपल कैन यूज, बॉक्साइड का प्रयोग किया गया, धीरे धीरे एल्यूमिनियम को अन्य धातुओं के स्थान पर प्रयोग करना शुरू हो गया। कुल मिला के लोगों ने अल्टरनेटिव यूज करना शुरू किया, एक धातु की जब कमी आ गई तो दूसरी धातु का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज समटाइम्स हैज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, अपने जो संसाधन हैं, नेचुरल संसाधन हैं, इनका अत्यधिक प्रयोग, अत्यधिक दोहन हमें अनअपेक्षित परिणाम दिखाता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल भैन कोल डिपॉजिट अंडर गो स्ट्रिप माइनिंग, जब हम खाने खोदते खोदते कोयला की खाने खोदते खोदते बहुत गहराई तक चले जाते हैं, द फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर मे बी डिस्टर्ब, जो हमारे नीचे जमीन के नीचे जो पानी है उसका जो ग्राउंड वाटर सतह है वो डिस्टर्ब हो जाती है, केजिंग बेल टू ड्राई अप, और इसका कारण होता है, इसका परिणाम होता है कुएं सूख जाते हैं। जब खान खोदते खोदते हम काफ़ी गहराई में पहुंच जाते हैं तो हमारी पानी की सतह डिस्टर्ब होकर और हमारे जो जमीन पे कुएं पाए जाते हैं वो कुएं सूख जाते हैं। पुअर फार्मिंग मेथड्स हैव रुइंड, हमारे जो गरीब किसान खेती करते हैं वो सब बर्बाद हो जाती है। मच फार्मलैंड एंड लेफ्ट इट वैरन, और बहुत बड़े बड़े फार्म भी बंजर हो जाते हैं पानी की कमी से। वी मस्ट अवॉइड डाइजेस्टर चेंजेस इन द इकोसिस्टम्स इवन एज वी ट्राई टू इंक्रीज एग्रीकल्चर लैंड यूज, फॉरेस्टी फिशिंग एंड वाटर डेवलपमेंट। वी मस्ट अवॉइड, हमें इन घटनाओं, इन परेशानियों को बदलना चाहिए, इन परेशानियों से दूर रहने के लिए हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट अवॉइड डाइजेस्ट्रस चेंजेस, हमें हानिकारक जो ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है। इवन एज वी ट्राई टू इंक्रीज एग्रीकल्चर, हमने प्रयास किया है एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए, लैंड यूज जमीन के उपयोग को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट्री बनकी को बढ़ाने के लिए, फिशिंग हमने अपने मछली पालन को बढ़ाने का प्रयास किया है, एंड वाटर डेवलपमेंट, इसी प्रकार से हमें पानी को भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और मनुष्य का जीवन कठिन हो जाएगा। ईच वन ऑफ अस मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ अवर एनवायरमेंट, हम में से प्रत्येक को अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। फ्यूम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज पॉइजन द एयर, हमारे जो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी वाहन हैं, और फैक्ट्रियों का निकला हुआ धुआं
जो धुआं निकलता है उससे हमारी जो वायु है वो सारी की सारी जहरीली या प्रदूषित हो गई है। द एयर दस पॉपुलेटेड किल्स ट्रीज एंड इन डेंजरस ह्यूमन हेल्थ। ये मनुष्य हाँ जी द एयर दस पॉल्यूटेड किल्स ट्रीज, इस प्रदूषित हवा से पौधे भी मर रहे हैं एंड इन डेंजरस ह्यूमन हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हवा पॉइजनस वाली हवा जो है वो बड़ी हानिकारक होती है। गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन कंट्रोल दिस डैमेज टू एनवायरमेंट बाई रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस सबस्टेंसेस एंड अडॉप्टिंग प्रॉपर बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। सरकार के द्वारा विभिन्न तरीके अपनाए गए, इन तरीकों से ये जो पॉइजनस एयर है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाएगा, अच्छी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सरकार ने नियम भी बनाए हैं, क्योंकि अगर इसका हमने रोकथाम नहीं किया तो ये इनका जो धुएं का जो उत्सर्जन है वो और ज़्यादा हानिकारक तत्वों को जन्म देगा और हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। बट ईच आपस में के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, फॉर आवर एक्शन एंड एटीट्यूड एज वेल, ये रवैया हम सबको बदलना होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी होगी। इवन इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड एंड डेवलप्ड प्रॉपरली, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना है, उनका विकास करना है, संरक्षित रखना है। द अर्थ विल बी अनएबल टू प्रोवाइड एनफ फूड इफ द पॉपुलेशन कीप्स इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। हमारी जनसंख्या संकेतक दर पे बढ़ रही है, संकेत दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हमें खाने पीने के लिए सारी चीज़ें भूमि से प्राप्त हो जाएंगी। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड टू अलाउ फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यदि हम द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे विश्व की जनसंख्या मस्ट बी कंट्रोल्ड, अगर हम कंट्रोल करनी चाहिए टू अलाउ टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यदि हम अच्छा जीवन चाहते हैं, स्वच्छ जीवन चाहते हैं, तो हमें अपने सतत प्रयासों से ऐसा प्रबंधन करना चाहिए जो हमारे रिसोर्स हैं वो स्थायी हो जाएं, सस्टेनेबल हो जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्सेज इज वाइटल टू देयर मैनेजमेंट एंड एवेंचुअल यूटिलाइजेशन। ये समझने की बात है, रिसोर्सेज इज वाइटल दैट देयर एनवायर मैनेजमेंट एंड एवेंचुअल यूटिलाइजेशन, इसका हमें बड़े अच्छे ढंग से एवेंचुअल तरीके से इसका यूटिलाइजेशन माने प्रयोग करना होगा। द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू मेंटेन ए इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट विल नॉट ओनली मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन बट ऑल्सो सस्टेन डेवलपमेंट इन द टाइम्स टू कम। यदि हमने इसका सही यूटिलाइजेशन किया, इसको डिस्टर्ब नहीं किया, एनवायरमेंट को छेड़छाड़ नहीं की, तो हमारा जीवन तो अच्छा होगा ही, आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छे जीवन की हम कामना कर सकते हैं। बट ऑल्सो सस्टेन डेवलपमेंट इन द टाइम्स टू कम, जो पीढ़ी आगे आ रही है, समय आगे आ रहा है, उसमें भी ये चीज़ें हानिकारक की जगह अच्छाई प्रदर्शित करेंगी, और हमने अगर रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए कठिनाई होगी, कष्टदायक होगा। कनेक्टिव ज्योग्राफी में देखेंगे, इन 1987 द यूनाइटेड नेशन रियलाइज द लैंडमार्क ब्रुटलैंड रिपोर्ट। सन 1987 में US के द्वारा ये रिलाइज किया गया, एक रिपोर्ट पेश की गई जो कि वुडलैंड रिपोर्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, इसमें बताया गया है, इट डिफाइंड, इसमें परिभाषा बताई गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द मीट्स टू प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अपनी आवश्यकताओं की अगर आपने पूर्ति के लिए एनवायरमेंट या रिसोर्सेज के साथ कंप्रोमाइज नहीं की, समझौता नहीं किया, तो द यूनाइटेड नेशंस 2005 वर्ल्ड समिट
आउटकम डॉक्यूमेंट रिफर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रेनफोर्सिंग पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताया है जो हमारा स्थायी विकास है ये एक पिलर की भांति कार्य करेगा। यदि हमने सामाजिक विकास, आर्थिक विकास आदि को सही ढंग से अगर यूज किया तो ये हमारे लिए एक स्थायी स्तंभ होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद हो जाएगी। आगे देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या स्थायी विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायी विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है अपने पर्यावरण को की हानिकारक तत्वों से बचाना, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना। इट इज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अपनी आवश्यकताओं को हम कम करें ताकि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज judiciously so that after fulfill our present requirements they are also preserved for future time. Resources should be utilized, हम अपने संसाधनों का प्रयोग बड़े विवेकपूर्ण ढंग से करें, इसलिए कि हम तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करें ही आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं का भी ध्यान में रखते हुए भी हम इनका यूज करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इन संसाधनों से कोई लाभ प्राप्त हो सके। Humans have always used natural resources to satisfy their wants. मनुष्य ने हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया है। However, with increasing population, हालांकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है and their ever growing demands, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। The rate एट विच नेचुरल रिसोर्स आज बींग यूज हैज राइजन ड्रामेटिकली। जनसंख्या की जो वृद्धि है वो बड़ी नाटकीय ढंग से हुई है और नेचुरल रिसोर्स का उतना ही नाटकीय ढंग से इस्तेमाल किया गया है। आल नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इनहेक्सिबल। ये जो रिसोर्सेज हैं, सभी जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो खत्म होने वाले नहीं हैं। इफ द रेट ऑफ देयर कंजम्पशन इज फास्टर, यदि इनका उपभोग बहुत तेजी से किया गया, देन दैट ऑफ द देयर जनरेशन दे आर बाउंड टू गेट डेप्लेट। ये बहुत गहराई में चले जाएंगे अर्थात लास्ट में ये खत्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट इज एग्जैक्टली द ही वाज डिप हैपेंड इन द केस ऑफ आवर फ्लोरा एंड फौना। ये जीवधारियों के साथ नहीं होगा, जीवधारियों की समस्या भी आएगी और वनस्पतियों के सामने भी समस्या खड़ी हो जाएगी, और जब वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो पृथ्वी पर किसी भी जीवधारी का जीवन संभव नहीं हो सकता। वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू डेप्लेशन ऑफ ग्रीन कवर। वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन, हमें हर हाल में डिफॉरेस्टेशन को फैलाना होगा अर्थात पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी होगी। हैज लेड टू डेप्लेशन टू ग्रीन कवर, हमारे चारों तरफ जब ग्रीन कवर होगा हम ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे, हमारी हरियाली में जब कमी नहीं आएगी तो ये समस्याएं हमारे सामने नहीं आएंगी। मैनी प्लांट ऑफ एनिमल्स स्पाइसिस हैव बिकम इनडेंजर्ड एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारी जंतुओं की जातियां और वनस्पतियों की जातियां विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। मिसयूज और ओवरयूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैज लेड टू देयर ग्रेडेशन और डिट्रियोट्रेशन इन क्वालिटी। मिसयूज ऑफ ओवरयूज मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज, हमने अब जो संसाधन है उनको मिसयूज किया है, उनका अत्यधिक दोहन किया है, अपने उपयोगी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से चीज़ों को छीना है, और जिस कारण से उनका डिग्रेडेशन हो जाए, उनकी कमी आ रही है क्वालिटी में भी और क्वांटिटी दोनों में, उनकी जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉयल लैंड एंड वाटर रिड्यूसेस डिटेरियोरेट इन
क्वालिटी एंड डिप्लेट ड्यू टू पॉल्यूशन। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, और उसी प्रकार से हमने सोयल, लैंड एंड वाटर इन सब का प्रयोग भी बढ़ा दिया है। वाटर, सोयल एंड एयर गेट पॉल्यूटेड, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो हवा हो, सारे के सारे पॉल्यूटेड हो गए हैं टू कॉन्टेमिनेशन एंड हार्मफुल सबस्टेंस। इसमें बहुत सारे हार्मफुल सबस्टेंस माने हानिकारक तत्व तो हवा में, पानी में और मिट्टी में शामिल हो गए हैं। वी मस्ट नॉट मिसयूज और पॉल्यूट अवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें किसी भी कीमत पर इनका मिसयूज नहीं करना है, रिसोर्सेज का इनको प्रदूषित नहीं होने देना है। इफ़ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज बी विल सून हैव ए वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में हमें लगातार अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है प्रदूषित होने से, और नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना है ताकि हमें कोई आगे समस्या ना आए। द फ्यूचर ऑफ द अर्थ देयरफॉर डिपेंड्स ऑन हाउ ज्यूडिशियसली वी यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट द प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज मेंटेन्ड एज वेल एज द एनवायरमेंट इज प्रिजर्व। हमें हर हाल में भविष्य के लिए पृथ्वी को बचाना है। देयरफॉर डिपेंड्स ऑन हाउ हमें इसका यूज अगर करना है तो बड़े विवेकपूर्ण ढंग से करना होगा। वी आर यूज नेचुरल रिसोर्स, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, सो दैट इसलिए प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज मेंटेन्ड एज वेल एज एनवायरमेंट प्रेजेंट। हमें हर हाल में किसी चीज़ का प्रयोग करना है तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारा एनवायरमेंट सुरक्षित रहे। दीज आर सम ऑफ कॉर्डिनल रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो। कुछ गणितीय नियम दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। हर हाल में 4-5 नियम बताए गए हैं। देखो क्या क्या नियम हैं। यूज ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन ए सस्टेनेबल मैनर। हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो प्रयोग करें वो इस प्रकार से करें कि पूरा खत्म ना हो, ये सतत बना रहे, आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो। नंबर दो, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने खोदने वाली चीज़ें हैं उनको इस तरह से प्रयोग करें कि हम बहुत अधिक तक, मुझे गहराई तक ना जाना पड़े। कुल मिला के मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग भी हमें कम से कम करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो सकें। सारे हम खर्च कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला पॉइंट है, कंजर्व द वेरिड स्पेसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जीवधारी हैं उनका भी हमें संरक्षण करना चाहिए। अगला पॉइंट, डू नॉट केज एनी हार्म टू नेचुरल एनवायरनमेंट। कोई भी काम ऐसा ना करें जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी हो, अर्थात हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कारण ना हो जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो, दूषित हो। अगला पॉइंट है, एनेबल कम्युनिटी शो केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। जो समाज एनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पूरे समाज की ये जिम्मेदारी है कि अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। इसमें लास्ट में देखेंगे, कनेक्ट टू ज्योग्राफी में बताएंगे, देयर आर एन एस्टिमेटेड 40,000 स्पीसीज ऑफ द स्पाइडर्स। लगभग बताया जा रहा है 40,000 मकड़ियों की जनजातियाँ पाई जाती हैं। एंड दे आल ईट इंसेक्ट, जो कि कीड़ों का भक्षण करती हैं, मतलब मकड़ियों के द्वारा बहुत सारे कीड़े खत्म किए जाते हैं, खाए जाते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड वेब, जो कि फूड वेब यानी हमारी खाद्य श्रृंखला की बहुत बड़ी एक कड़ी होती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एंड प्रोवाइड नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, और समाज में ये मकड़ियों के द्वारा जो कीट होते हैं उनका जो हमला होता है उससे कम करती हैं। ये मकड़ियाँ से खा लेती हैं, कीटों को खा लेती हैं, और इस प्रकार से कीट पतंगों से मुक्त समाज हमें प्रदान करती हैं। इस प्रकार से मकड़ियां भी हमारे समाज को स्वच्छ पर्यावरण बनाने में सहायक होती हैं। दैट्स ऑल, आपका लेसन पूरा हुआ। थैंक यू। किसी भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट में लिखें। धन्यवाद।